अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, उसके एरियाज और फंक्शंस। लेकिन इनको पढ़ने के लिए पहले हम डिवीजन देखेंगे। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन में, इसमें बच्चों को बताता है कि डिफरेंट रीजन्स में ये डिवाइड हुआ है, तकरीबन अप टू 50 रीजन्स में छोटे छोटे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइड हुआ हुआ है। और इन छोटे छोटे रीजन्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरियाज या ब्रॉडमैन। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हैं और ये सारे रीजन एक दूसरे से हिस्टोलॉजिकली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी डिवीजन की बात करते हैं। एज वी नो, दो मेन डिवीजन तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होंगी। एक डिवीजन डील करती है सेंसरी इंपल्सेस के साथ और एक किसके साथ डील करती है, मोटर के साथ। यहाँ पे सेंडिंग ट्रैक्स आ रहे थे कहाँ पे, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और डिसेंडिंग कहाँ से जा रहे थे, प्री सेंट्रल गायरस में। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस न्यूक्लियस में डिवाइड करती है। तो यहाँ देखें अगर आप, कि एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे अगर हम ये कहें कि ये फ्रंटल व्यू है, ठीक है, ये नाकान वगैरह इंसान का, तो यहाँ पे सबसे पहले ही हमारे पास क्या आता है, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब के बाद ये वाला रीजन जो है ये क्या होता है बच्चों, पेराइटल लोब, और पीछे क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। और ये नीचे हमारे पास क्या होता है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल, ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब। ये चीज़ मैंने याद रखनी है। अब आपने याद रखना है कि ये जो फ्रंटल लोब है, हम फ्रंटल लोब पे डिपेंड करते हुए दो डिवीजन्स करेंगे, ठीक है। फ्रंटल लोब जो है यहाँ दरमियान में आती है हमारे पास एक सेंट्रल सल्कस, ठीक है, ये क्या आ गया, एक सेंट्रल सल्कस आ गया, ठीक है। अब इस सेंट्रल सल्कस से आगे आगे, या हम कह सकते हैं फ्रंटल लोब का एंटीरियर रीजन, ठीक है, सल्कस से भी एंटीरियरली या फ्रंटल लोब का एंटीरियर रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल गायरस या मोटर कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल गायरस, गायरस या मोटर सेंटर, जो हमारी वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के साथ डील करता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब इस फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर या फिर हम सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर वाले रीजन को क्या कहेंगे, सोमैटोसेंसरी एरिया या पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल गायरस क्या होता है, सोमैटोसेंसरी एरिया, और प्री सेंट्रल गायरस क्या होता है, मोटर एरिया या मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, अब ये बात खत्म हो गई, सेंट्रल सल्कस वाली बात खत्म हो गई, ठीक है, ये मोटर आ गया, ये सेंसरी एरिया आ गया। अब सेंसरी एरिया को हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेराइटल लोब, बच्चों ये पेराइटल लोब है, ठीक है। पेराइटल लोब में इंटीरियरली जो प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया वन, और पेराइटल लोब में जो पोस्टीरियरली या पीछे की तरफ है और थोड़ा लेटरली है उसे हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया टू। ये हमने किस बेस पे डिवाइड किया, इसे पेराइटल की बेस पे, इंटीरियरली सोमैटोसेंसरी एरिया वन, पोस्टीरियरली सोमैटोसेंसरी एरिया टू। अब यहाँ पे आ जाओ ऑक्सीपिटल रीजन में, तो ऑक्सीपिटल रीजन में जो एरियाज हैं बच्चों ये होते हैं तकरीबन 17, 18, 19, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल एरिया का क्या काम है कि जितने भी हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना या विजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको ये ऑक्सीपिटल एरिया रिसीव करता है, ठीक है। अब टेम्पोरल पे आ जाते हैं, टेम्पोरल में आपने याद रखना है 41 और 42 जो रीजन है वो टेम्पोरल के किस चीज़ को रिसीव कर रहे होते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स को। किस चीज़ को रिसीव करते हैं, ऑडिटरी सिग्नल को। तो टेम्पोरल किसके साथ डील करता है, ऑडिटरी सिग्नल्स के साथ। ऑक्सीपिटल किसके साथ डील करता है, विजुअल सिग्नल्स के साथ। अगर आपको ये एरियाज के नाम याद रहते हैं 17, 18, 19, 41, 42 तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो इट्स ओके, आपने सिर्फ इतना याद रखना है टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल रीजन ये डील कर रहा है विजुअल के साथ, डील कर रहा है ऑडिटरी सिग्नल्स के साथ। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड 2 किसके साथ डील करेंगे, सेंसरी इंपल्सेस के साथ, जबकि मोटर एरिया किसके साथ डील करेगा, मोटर इंपल्सेस, वॉलंटरी कंट्रोल वगैरह के साथ, ठीक है। अब सोमैटोसेंसरी इंपल्सेस हमने पढ़ लिया ना, कितनी सारी हैं, पेन, टेंपरेचर, टच वगैरह, ठीक है। अब इन दोनों एरियाज पे डिपेंड करते हुए दोनों एरियाज अलग-अलग इंपल्सेस को रिसीव करेंगे और इनके फंक्शंस अपने हैं। इंपॉर्टेंट एरिया है एरिया 1, इसको ज्यादा स्टडी किया गया है। अगर कोई कहे सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2 को डिफरेंशिएट करो तो बताना है सोमैटोसेंसरी एरिया 1 मोर एक्सटेंसिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है यूजुअली हम इसी को कहते हैं, ठीक है, और इसका जो फंक्शंस हैं वो इसके वो इस पर डिपेंड नहीं करते, जबकि सोमैटोसेंसरी एरिया 2 जो है वो इतना ज़्यादा फंक्शनल, इतना ज़्यादा जो है वो अपने काम में लोकलाइज नहीं है। ये बहुत लोकलाइज भी है, ये लेस लोकलाइज है, लेस एक्सटेंसिव है, लेस स्टडी किया गया है। उसके अलावा ये इंपल्सेस इसमें फाइबर्स आ रहे होते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से भी, ब्रेन स्टेम से भी, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से भी। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 डिस्टर्ब हो जाए या डैमेज हो जाए तो ये काम करना छोड़ देगा, जबकि अगर ये डैमेज हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस आपने इन दोनों के याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे बहुत स्पेशल ओरिएंटेशन हुई हुई है, लेकिन उसको देखने से पहले एक दफ़ा जरा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने ये दरमियान में हमारे पास क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास दरमियान में क्या है, सेंट्रल सल्कस है, ये वाला, ये सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया क्या है, फ्रंटल लोब का एंटीरियर एरिया है और इसको हम बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मोटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं या प्री सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं। और ये फ्रंटल लोब का जो पोस्टीरियर रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। और ये सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम पेराइटल लोब की बात करेंगे
है तो इसी को हम पैराइटल लोब अगर बना लें, ये पैराइटल लोब है तो पैराइटल लोब के इंटीरियर वाला ये सारा एरिया क्या है, एरिया वन, और ये पोस्टीरियर वाला क्या है, एरिया टू। तो पैराइटल लोब को भी हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियरली बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, सोमैटो सेंसरी एरिया वन एंड सोमैटो सेंसरी एरिया टू, ठीक है। और टेम्पोरल लोब में आपने बताना है कि ये हमारे पास टेम्पोरल लोब है, इसका एरिया 41 एंड 42 ऑडिटरी सिग्नल्स रिसीव करता है, एंड ऑक्सीपिटल ये वाला एरिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 17, 18 एंड 19 एरियाज आते हैं जो विजुअल सिग्नल्स को लेते हैं। फिर सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड 2 को हमने डिफरेंशिएट किया कि एरिया 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सटेंसिव है, लोकलाइज है, इसको हमने ज्यादा स्टडी किया है और ये अपने फंक्शन के लिए इस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि ये लेस एक्सटेंसिव है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस स्टडी किया हुआ एरिया है और ये अपने फंक्शन के लिए इस पे ब्रेन स्टेम पे स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड करता है और उनसे सिग्नल्स लेता है। अब जो स्पेशल ओरिएंटेशन है उसकी हम बात करें अगर, तो आपने एक तो ये बात याद रखनी है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को, क्योंकि ये ऑपोजिट जो है वो सेंसरी इंपल्सेस रिसीव कर रहे होते हैं। अब बच्चों ये जो हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन लिया है पोस्ट सेंट्रल गायरस का और यहाँ पे दिखाए हैं डिफरेंट एरियाज, तो यहाँ पे जितना बड़ा आपको अगर कोई एरिया नजर आ रहा है तो इसका मतलब है उस एरिया के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो भी उतने ही ज्यादा है। तो यहाँ का जो एरिया है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है सेंसरी रिसेप्टर के नंबर्स पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया हमें यहाँ पे किस चीज़ का नजर आ रहा है, लिप्स का, ठीक है, और फेस का। तो इसका मतलब है हमारे लिप्स पे और फेस पे सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इनके रिलेटेड एरिया जो प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो भी काफी बड़ा है, ठीक है। यहाँ नीचे हमें जो है वो नजर आ रहा है टंग का, फेरिंग्स वगैरह का लेवल, ठीक है, ये फिर हैंड है सबसे बड़ा, लिप्स हैं, फेस एंड देन हैंड वगैरह आते हैं, ठीक है। और एक चीज ये याद रखनी है कि जो हमारा लोअर लिम है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है लोअर लिम वगैरह मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि हमारा जो हेड और लिप्स और फेस वगैरह है वो मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये हैंड और इस तरह से ओरिएंटेशन है, इसको होमंक्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है, होमंक्यूलस भी बोलते हैं इस अरेंजमेंट को या ओरिएंटेशन को, स्पेशल ओरिएंटेशन कहते हैं। याद ही रखना है फेस वगैरह मीडियल साइड पे हैं, लिम्स मीडियल साइड पे हैं, फेस वगैरह लेटरल साइड पे हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो साइज है यहाँ पे वेरी करता है और ये साइज किस पे डिपेंड करता है, रिसेप्टर के नंबर पे। जितने रिसेप्टर ज्यादा होंगे उतना यहाँ पे साइज बड़ा होगा, जैसे हमें लिप्स का और फेस का और हैंड्स का नजर आ रहा है, बाकी इन चीजों का कम है, इसका मतलब है उनके ऊपर रिसेप्टर्स कम है। ये स्पेशल ओरिएंटेशन है जो एरिया सेंसरी एरिया वन में हमें नजर आ रही है और ये जो है ऑपोजिट साइड की इंपल्सेस रिसीव हो रही होती है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें हमारे पास 6 लेयर्स प्रेजेंट है, हर लेयर का अपना फंक्शन है। सबसे पहले आपने याद रखना है लेयर 4 का फंक्शन, ठीक है, कोई भी जो इनपुट एक्साइटेटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना वो हमारे पास डायरेक्ट आते हैं किसके पास, लेयर 4 के पास, ठीक है, किसके पास आते हैं, लेयर फोर के पास। सबसे पहले क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं इनपुट, और फिर ये उसको डीपर और सरफेस की तरफ भेजती है, ठीक है। जो लोअर रीजन या लोअर रीजन ऑफ ब्रेन की तरफ से नॉन डिफ्यूजेबल नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं जितने जरूरी नहीं होते, उन्हें यहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है कहाँ पे, 1 के पास, ठीक है, और 2 के पास, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, 1 और 2 के पास, ठीक है। अब 2 और 3 क्या करते हैं, ये 2 और 3 मिलके क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्नल यहाँ पे आते हैं और फिर ये ऑपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो 2 और 3 क्या करते हैं कि इन सिग्नल्स को हमारे पास एक होता है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम जो है